हेलो जी, कैसे हो सारे? दिस इज लव बब्बर। इन दिस वी विल टॉक अबाउट रिज्यूमे। हम बात करने वाले रिज्यूमे के बारे में, रिज्यूमे की चिंता को, रिज्यूमे के टेंशन को, जितनी भी दिक्कतें आपको आती है रिज्यूमे बनाते हुए, उन सभी दिक्कतों को जड़ से उठा के खत्म करने वाले इस वीडियो के अंदर। इस वीडियो को देखने के बाद आप रिज्यूमे बनाने में चैंप हो चुके होंगे। आप किसी भी तगड़ी कंपनी, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन जैसी कंपनी में एक तगड़ा रिज्यूमे बना के भेज सकते हैं। ठीक है, तो रिसेंटली मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप पर एक मैसेज भेजा कि यार सब बच्चे मेरे साथ अपना रिज्यूमे शेयर करें, और मैं एक रिज्यूमे रिव्यू वीडियो बनाता हूँ जहाँ पे आपको बताऊँगा क्या क्या गलतियाँ करें, क्या सुधारा जा सकता है। मुझे हज़ार से ज़्यादा रिज्यूमे मिलते हैं, सबको तो मैं नहीं देख पाया, कुछ मैंने देखा, मुझे पता लगा यार सेम काइंड ऑफ मिस्टेक लोग कर रहे हैं। यूट्यूब पर ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोज़ पड़ी हुई है, मैंने भी दो वीडियो रिज्यूमे के ऊपर बना चुका हूँ, पर तब भी गलतियाँ हो रही हैं। इसको कैसे सुधारा जा सकता है? तो अगर मैं आपको एक चेकलिस्ट दे दूं, वहाँ लिखा हो 1 2 3 4 5 6, अगर 1 पे टिक लग गया, 1 मैंने कर लिया, सेकंड कर लिया, थर्ड, फोर्थ, ये सारे पॉइंट पे टिक अगर आप लगा पा रहे हैं कि यार ये सब चीज़ें फुलफिल हो रही है मेरे रिज्यूमे के अंदर, तो आप एक तगड़ा रिज्यूमे बना चुके हैं, जिस रिज्यूमे को आपको किसी और से रिव्यू कराने की नीड भी नहीं है, किसी सीनियर को भेजने की जरूरत नहीं है, किसी इंस्टीट्यूट में पैसे दे कंसल्ट करने की नीड भी नहीं है। आप एक तगड़े रिज्यूमे वाले खिलाड़ी हो चुके हैं, आप किसी भी बड़ी कंपनी में अपने रिज्यूमे को शॉर्टलिस्ट अब करवा सकते हैं। तो वो चेकलिस्ट मैं आपको यहाँ पे देने वाला हूँ। मैं मेक श्योर करूँगा कि अगले 5 मिनट जो आप यहाँ पे स्पेंड करो वो बहुत फ्रूटफुल हो, उसके बाद आपको दोबारा कभी रिज्यूमे पे एफर्ट ना डालना पड़े। आपके पास एक चेकलिस्ट पड़ी है, उसको आप देखो, वेरीफाई करो, आप एक तगड़ा रिज्यूमे बना चुके हो। और ये मेरी बात पर विश्वास क्यों करेंगे आप? क्योंकि रिसेंटली मैंने एक रिज्यूमे बनाया और वो शॉर्टलिस्ट हुआ गूगल ऑफ कैंपस, माइक्रोसॉफ्ट ऑफ कैंपस, ऊबर ऑफ कैंपस, जीटा ऑफ कैंपस, फ्लिपकार्ट ऑफ कैंपस। आई थिंक एक्सपीरियंस इनफ है कि मैं आपको वो पॉइंट शेयर करूं जो मैंने अप्लाई किए थे और आप एक तगड़ा रिज्यूमे बना पाएं। जो रिज्यूमे मैंने गूगल को सेंड किया, क्या वो बहुत खतरनाक था? उसमें कुछ रॉकेट साइंस लग रहा था? नहीं नहीं, बिल्कुल सिंपल, दो प्रोजेक्ट गिनती के मैंने कॉलेज वाले डाले, दो प्रोजेक्ट जो मैंने अपने प्रोफेशनल एक्सपीरियंस में 2 साल में निकाल के पिक करके डाल दिए, हो गया काम। आपको मैं बताऊंगा क्या क्या सेक्शंस आपको डालने हैं, उन सेक्शंस की ऑर्डरिंग क्या होनी चाहिए, किस लाइन में क्या लिखना है, किस चीज़ को बोल्ड करना है, किस चीज़ को अवॉइड करना है, हर चीज़ को डिस्कस करने वाले हैं। जो रिज्यूमे मैंने गूगल को सेंड किया वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि यार ऐसा ऐसा कुछ था, सिंपल सा, आप भी ऐसे बना लो, आपका भी शॉर्टलिस्ट हो जाएगा। तो बहुत आसान चीज़ें हैं, स्टार्ट करते हैं एंटायर फ्लो के साथ एक चेकलिस्ट, इसका नाम हम रखते हैं प्लेसमेंट रिज्यूमे चेकलिस्ट। इसको हमें हर बच्चे तक पहुंचाना है, जिसको भी रिज्यूमे बनाने में दिक्कत हो रही है वो इसको देख के अपना रिज्यूमे तगड़ा कर सकता है। आज से कुछ महीने पहले हमने डीएससी की एक शीट बनाई थी 450 क्वेश्चंस की, उसको यूज़ करके बहुत सारे बच्चों की प्लेसमेंट लगी। इवन मेरा एक बैचमेंट था सीओई ब्रांच, कंप्यूटर इंजीनियरिंग ब्रांच का, उसने इंट्यूट कंपनी का एचडीटू का प्रोसेस भी उस 450 शीट से क्रैक किया था। तो एक और तगड़ी चीज़ बनाने जा रहे हैं जो आपको दिखाएंगे, और इससे आपका रिज्यूमे तगड़ा हो जाएगा। स्टार्ट करते हैं। So let me thank Relevel for sponsoring this video. We'll talk about the platform in the later half of the video. So this is the placement resume checklist. इसको follow करते हैं, देखते हैं flow कैसा है इसका। Flow को खोलते हैं एक बार, entire flow को। सबसे पहली चीज़ जो हमें नज़र आती है वो क्या, presentation। जब बोर्ड का पेपर देते थे क्लास 12th के अंदर, हमें पता था कि इंग्लिश के पेपर के अंदर मुझे लेफ्ट में मार्जिन बनाना है, मुझे राइट में मार्जिन बनाना है, मुझे अपनी राइटिंग अच्छी रखनी है, मुझे चीज़ें टू द पॉइंट रखनी है, और मैं अलग अलग पेन्स का यूज़ कर सकता हूँ, ब्लू पेन का यूज़ कर लिया, ग्रीन पेन का यूज़ कर दिया। मैं तो खैर सिंपल ब्लू पेन का यूज़ करके सारे आंसर लिख के आया था, पर हमें क्लास की लड़कियाँ डिफरेंट डिफरेंट पेन्स का यूज़ करती थी, उनके नंबर इंग्लिश में मेरे से ज़्यादा आते थे। तो प्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं रिक्रूटर हूँ, मेरे सामने कोई रिज्यूमे आया है, पहली ही नज़र के अंदर मुझे उस रिज्यूमे से प्यार हो जाना चाहिए। ठीक है, आपको इस तरीके से उसको बनाना है। प्रेजेंटेशन की जब मैं बात करता हूँ, यहाँ पर दो पॉइंट आते हैं, पहला फॉर्मेटिंग, दूसरा स्पेस यूटिलाइजेशन। फॉर्मेटिंग का क्या मतलब है? टेम्पलेट की हम बात करने वाले हैं। पर्सनली आई एम अ बिग फैन ऑफ सिंपल टेम्पलेट, बेसिक टेम्पलेट, फैंसी टेम्पलेट मैं उतनी यूज़ नहीं करता हूँ। मैं आपको भी यही गाइड करूँगा कि सिंपल टेम्पलेट आप यूज़ करें, क्योंकि वो दिखने में ज़्यादा अच्छी लगती हैं, ईजी टू रीड होती हैं और बहुत मज़ा आता है। दो चीज़ें हैं ऑन कैंपस में, अगर आपके कॉलेज ने कोई स्ट्रिक्ट रिस्ट्रिक्शन लगाई है कि आपको यही दो पेज वाले रिज्यूमे का फॉर्मेट फॉलो करना, तो आपको वो करना पड़ेगा। बाकी ऑफ कैंपस में या स्टैंडर्ड जो फॉलो होते हैं उसमें आप वन पेज का रिज्यूमे हमेशा बनाते हो, सिंपल टेम्पलेट यूज़ करना। टेम्पलेट कहाँ से मिलेगी? गूगल सर्च करो फ्री रिज्यूमे टेम्पलेट्स, बस आपको बहुत सारी फ्री टेम्पलेट्स मिल जाएंगी। एक वेबसाइट जहाँ से मैंने अपना रिज्यूमे बनाया था, ये वाला, इसका नाम था हाइरेशन, HIRATION, यहाँ से आप रिज्यूमे बना सकते हैं। यहाँ पे कुछ कुछ फ्री टेम्पलेट मिल जाएगी आपको, उसका आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये एक चीज़ है। स्पेस यूटिलाइजेशन की जब मैं बात करता हूँ, तो पहली नज़र जब मेरे पास रिज्यूमे आता है, मुझे दिखना चाहिए कि यार सब कुछ अच्छे से लगा है, कुछ खाली स्पेस एकदम से गंदा सा बिल्कुल नहीं दिखना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि अजीब से मुझे दिख रहा है कि यहाँ बिल्कुल खाली स्पेस पड़ा हुआ है यहाँ पे, नहीं। या फिर कुछ ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि बहुत ही ज़्यादा आपने टेक्स्ट फॉन्ट डाला हुआ है, मुझे मतलब क्लमजी क्लमजी सा फील हो रहा है, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। आगे चलते हैं, नेम पे और सोशल हैंडल्स के ऊपर। यहाँ मैंने क्या लिखा है? फ़ोन, ईमेल, गिटहब, लिंक्डइन। तो आप जब भी अपने रिज्यूमे बनाते हैं, मेक श्योर कि आपने सबसे ऊपर अपना नाम डाला है, अपना फ़ोन नंबर डाला है, ईमेल डाला है, गिटहब डाला है, लिंक्डइन डाला है। आप जब सॉफ्टवेयर इंजीनियर होते हैं तो ये चीज़ सारी कॉमन होती है। लिंक्डइन और गिटहब जो आप डालेंगे, कृपया करके उसमें हाइपरलिंक्स करें या उसको क्लिकेबल बनाएं, ताकि उस पर क्लिक करके हम आपकी प्रोफाइल पर पहुंच पाएं।
ये चीज़ हमें समझ में आ चुकी है, हमने स्टार्ट कर दिया है रिज्यूमे को बनाना। आगे चलते हैं। अब जब मैं आगे जा रहा हूँ तो मुझे दिखा ऑर्डरिंग, वन ऑफ सक्सेसफुल ऑर्डरिंग, जो ऑर्डरिंग मैं आपको बताने वाला हूँ ये मेरे लिए काम करती है। मैं किसी रिक्रूटर को अगर रिज्यूमे भेजता हूँ तो वहाँ पर शॉर्टलिस्ट हो जाती है, तो आप इसको भी फॉलो कर सकते हैं। इसके अंदर क्या क्या आता है, सबसे पहले एजुकेशनल डिटेल्स। एजुकेशनल डिटेल्स मैं बोलता हूँ, आपको अपने कॉलेज की परसेंटेज जो एग्रीगेट बन के आ रही वो ऐड करनी है। अब क्लास ट्वेल्थ की जो एग्रीगेट परसेंटेज थी, एग्रीगेट ही होती है वहाँ पे, तो वो ऐड करनी है। मैं अपना केस अगर आपको दिखाऊं तो यहाँ मैंने क्या लिखा है, यहाँ मैंने लिखा कि मैं NSIT से हूँ, उसको मैंने बोल्ड कर दिया कॉलेज के नाम को, और नीचे अगर आप देखें तो 8.25 CGPA बोल्ड है, NSIT का लड़का है, बोल्ड था, दिख गया मुझे हाँ इतनी CGPA आई है। नीचे क्लास ट्वेल्थ बोल्ड लिखा हुआ 95%, दिख गया जो मेरा इंटेंट था एजुकेशन का दिखाने का, वो मैंने दिखा दिया कैसे, उसको बोल्ड करके, कॉलेज का नाम बोल्ड कर दिया, परसेंटेज बोल्ड कर दिया, जो इंटेंट था वो पूरा हो गया, जो इन्फो मुझे शेयर करनी थी वो शेयर हो चुकी है। आगे चलते हैं। सेकंड सेक्शन जो है वो है टेक्निकल स्किल्स का। यहाँ पे आप लैंग्वेज बताने वाले हो, किससे आप कंफर्टेबल हो, डोमेन बताने वाले हो, एंड्रॉइड, मशीन लर्निंग, वेब डेवलपमेंट, जो भी है वो आपने ऐड कर दिया, फ्रेमवर्क्स पे किन किन पे काम किया हुआ है, AWS कंपोनेंट पे आपने काम किया हुआ, Azure पे आपने काम किया, क्लाउड कंप्यूटिंग आपको आती हो, सब्जेक्टिव एक्सपर्टीज, ऊप्स, DBMS, कंप्यूटर नेटवर्किंग, कंपाइलर, ऑपरेटिंग सिस्टम, वो सब चीज़ें आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पर देखेंगे मेरे रिज्यूमे के अंदर तो मैंने इस तरीके से इन चीज़ों को ऐड किया हुआ है, तो यहाँ से देखने में अट्रैक्टिव भी लग रहा है कि यार सब कुछ अलग 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 रखा हुआ है और पढ़ने में आसानी हो रही है, तो ये भी एक अच्छा तरीका है आपकी स्किल्स को ऐड करने का, आप ये भी फॉलो कर सकते हैं। आगे चलते हैं अगला सेक्शन जो कि प्रायर एक्सपीरियंस। यहाँ पे आप क्या ऐड करने वाले हैं कि आपने या तो कोई पहले इंटर्नशिप की हो उसका एक्सपीरियंस ऐड करेंगे, या फिर आप क्या करेंगे, आप ऑलरेडी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग फील्ड में हैं, कहीं पर काम कर रहे हैं, तो जो आपने अब तक काम किया है वो वाला एक्सपीरियंस यहाँ पे आप ऐड करने वाले हैं। कैसे लिखना है इस चीज़ को उसकी बात करते हैं, पॉइंट्स देखते हैं। सबसे पहली पॉइंट क्या कहती है, हेडिंग जो आपकी बोल्ड होनी चाहिए। आपने ABCD प्रोजेक्ट बनाया तो आपका ABCD प्रोजेक्ट बोल्ड होना चाहिए, ये आपकी हेडिंग है। आगे प्रॉब्लम स्टेटमेंट, प्रॉब्लम स्टेटमेंट में आपको याद ध्यान रखना है कि जिसके अंदर जो भी स्ट्रॉन्ग वर्ड्स हैं, जो भी स्ट्रॉन्ग टेक्निकल वर्ड हैं, उनको आपने बोल्डिफाई किया हुआ है। कैसे, अब एग्जांपल मैं आपको दिखाऊंगा। आगे जो भी टेक सॉल्व आपने बताई है उसके अंदर जो भी टेक्निकल बेस्ट कोडिंग प्रैक्टिस आपने यूज़ करी है, कोई टेक्निकल वर्ड्स हैं, कोई डिज़ाइन पैटर्न्स हैं, उनको आपको बोल्डिफाई करना है, दिखाना है कि भाई मैंने इसके अंदर ऑब्जर्वर पैटर्न लगाया, अडैप्टर पैटर्न लगाया, फैक्ट्री पैटर्न लगाया, बेस्ट कोडिंग प्रैक्टिस टेक्सटाइल्स का यूज़ किया, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें आपको बतानी है। इम्पैक्ट बताना बहुत इंपॉर्टेंट है कि यार मैंने अपने कोड चेन से, अपने फीचर से लेटेंसी ऑप्टिमाइज़ कर दी, एक्यूरेसी ऑप्टिमाइज़ कर दी, इतने पैसे बचा लिए, ये सारी चीज़ें हैं। ये चार पॉइंट का आपको ध्यान रखना है। आगे चलते हैं, एक बार दिखाते हैं कैसे। तो देखो मैंने यहाँ पे दिखा कि Amazon कंप्लायंस प्लेटफॉर्म, सब कुछ बोल्ड है। मैंने पहली लाइन में बताया कि यार क्या चीज़ है ये, प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझा दी, वहाँ पे कुछ चीज़ें मैंने बोल्ड कर दी। यहाँ से पता लग रहा है कि यार इस लड़के ने डिस्ट्रीब्यूटेड आर्किटेक्चर पे काम किया हुआ है, जहाँ पे अराउंड मोर देन 19 सर्विसेज थी और ये कुछ ईवे बिल से रिलेटेड है। ज़्यादा कॉन्टेक्स्ट मैंने नहीं दिया क्योंकि मुझसे पूछे भी कि क्या चाहिए तो मैं उसको बता पाऊँ, सब कुछ ले दूंगा तो मज़ा खराब हो जाएगा। आगे चलते हैं। मैंने टेक बताया कि मैंने क्या क्या टेक पे काम किया, जावा आईट लिख दिया, स्प्रिंग लिख दिया, XSLFO टेम्पलेट, AWS कंपोनेंट, रिएक्ट जेएस, हर्ड इंजन, डायनामिक कॉन्फिग, ये सब चीज़ें मैंने ऐड कर दी तो उसको पता लगे कि इन किन चीज़ों पे इसने लड़के ने काम किया हुआ है। इम्पैक्ट क्रिएटेड क्या है, क्या क्या इम्पैक्ट, मैंने उसको बताया कि यार इतनी ऑप्टिमाइजेशन मैंने लेटेंसी में की थी, इतनी एक्यूरेसी में की थी और इतने पैसे पर मंथ सेव कर रहा है मेरा पर्टिकुलर फीचर। समझ में आ गया, मज़ा आ गया, ठीक है। यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं एक और चीज़ कि आपने जो काम किया उसमें सिर्फ आपका स्पेसिफिक पार्ट क्या था, कि आपने सिर्फ डिज़ाइन किया था या आपने पूरा फीचर खुद ही ओन करके बना रखा है। मेरे केस में पूरा मैंने बनाया, ठीक है। तो ये एक चीज़ है जो आपको फ़ायदा देने वाली है। नीचे वाले में टेक यूज़ हमने नहीं किया, टेक एनवायरमेंट ऐड नहीं किया क्योंकि सेम टेक यूज़ किया, ठीक है। अगले सेक्शन पे चलते हैं। अगला सेक्शन आपका है कॉलेज प्रोजेक्ट्स, फ्रीलांस प्रोजेक्ट, ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन। यहाँ पे आपने ऐड किया। फ्रीलांसर्स के केस में एक चीज़ ध्यान रखें कि जब फ्रीलांसिंग की बात हो तो हमेशा ये इंटरव्यूअर को बताएं कि यार ये मैंने बस एक्सप्लोर करने के लिए किया था, उसको ये मत बोलें कि मैं फ्रीलांसर, एक्टिव फ्रीलांसर हूं, तो इससे नुकसान हो सकता है आपको थोड़ा बहुत, ठीक है। लिखना कैसे प्रोजेक्ट्स को, यहाँ पे देखते हैं। कॉलेज प्रोजेक्ट्स की मैं बात कर रहा हूँ, आपने बोला कि मैंने ABCD प्रोजेक्ट बनाया, इसको आपको बोल्ड लिखना है सबसे पहली चीज़, साथ में इसका सोर्स कोड आपने बताया कि यार ये मेरी रिपोजिटरी, यहाँ पे आप जाके कोड देख सकते हो, या फिर अगर आपने इसको लाइव होस्ट किया हुआ है तो उसका लिंक भी आप ऐड कर सकते हो कि ABCD.com देख लो जाके। तो ये तीन चीज़ें आपको स्टार्टिंग में ध्यान में रखनी है। ओवरव्यू की बात करते हैं, आपने क्या करना है, एक लाइन में बताना है कि प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है, ओवरव्यू क्या है, क्यों बनाया आपने प्रोजेक्ट, उसके अंदर स्ट्रॉन्ग टेक्निकल वर्ड को फिर से बोल्डिफाई करना है। सेकंड चीज़, जो भी टेक आपने यूज़ की है फिर दोबारा वो बतानी है, उसको बोल्डिफाई करना है, ठीक है। थर्ड चीज़, इम्पैक्ट क्रिएटेड, क्या आपने इसको रियल वर्ल्ड में लाइव किया था, कितने लोग उसको यूज़ कर रहे हैं और क्या क्या चैलेंज आपने फेस किया, उसको आपने कैसे रिजॉल्व किया, इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। आपने कौन से डिज़ाइन प्रिंसिपल यूज़ किए, कौन से डिज़ाइन पैटर्न यूज़ की, कोडिंग प्रैक्टिस कौन सी फॉलो करी, वो सारी चीज़ें भी आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए आपको दोबारा अपना जो मैं दिखाता हूँ, यहाँ पर अगर हम सिक्योर मैसेंजर ऐप देखें, बोल्ड है, साथ में सोर्स कोड है, नीचे पहला पॉइंट
ओवरव्यू क्रिप्टोग्राफिक एल्गोरिथम मैंने यहाँ पे बोल्ड कर दिया। आप मुझसे पूछ सकते हैं कि MD5 क्या होती है, AES क्या होती है, RSA क्या होती है, DES क्या होती है, AES सिक्योर होती है कि नहीं होती है, ब्रेक करने में कितना टाइम लग सकता है, वो सारी चीज़ें मेरे सामने अब आ सकते हैं सवाल, ये मुझसे वो पूछ सकता है। टेक इन्वॉल्व मैंने बता दी कि ये सारी टेक मैंने यूज़ की हुई है इसके अंदर, उसको समझ में आ गया। एंड्रॉइड में लड़के ने काम किया अच्छे लेवल पर, मज़ा आ गया। थर्ड इंपैक्ट क्या है, ये भाई मैंने हैकाथॉन जीता हुआ है। प्रूफ क्या है, सर्टिफिकेट ऐड कर दिया। सो दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय रिलेवल। रिलेवल इज अ प्लेटफॉर्म वेर यू कैन ग्रैब योर ड्रीम जॉब विदाउट एनी कॉलेज डिग्री, विदाउट एनी प्रायर एक्सपीरियंस। अगर आपके पास डिजायर्ड स्किल्स एंड कैपेबिलिटीज हैं तो आपको आपकी ड्रीम जॉब यहाँ पर मिल जाएगी। प्रोफाइल्स की अगर बात करें तो यहाँ पर बैक एंड प्लस फ्रंट एंड दोनों प्रोफाइल्स हैं आपके लिए। कंपनीज के अगर कुछ नाम लें तो अर्बन कंपनी, 1MG, सुपर डेली, जूम कार, रेजर पे, अपग्रेड, कोऑर्डिनेशन, बहुत बड़े बड़े नाम आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे विद CTC रेंज फ्रॉम 7 to 30 lakhs। आपको सिर्फ इतना करना है कि अपनी डिजायर्ड प्रोफाइल पर अगर आप बैकएंड में जाना चाहते हैं तो बैकएंड पर जाकर रजिस्टर करना है, उसके बाद अपना वीडियो रिज्यूमे अपलोड करना है, कुछ टेस्ट हैं उनमें अपीयर होकर उनको क्लियर करना है, सिलेबस आपको ब्रोशर में मिल जाएगा, फेस टू फेस इंटरव्यूज क्लियर करना है और इसके बाद आपका ऑफर लेटर आपके हाथ में होगा। सबसे अच्छी चीज़ ये कि एंटायर प्रोसेस आपका सिर्फ 1 week का टाइम स्पैन में ख़त्म हो जाएगा। आपको करना क्या है, सिर्फ रजिस्टर करना है और प्रोसेस क्रैक करना है। क्या आपसे कोई पैसे लिए जाएंगे, बिल्कुल भी नहीं, एंटायर प्रोसेस आपके लिए एकदम फ्री है। और बोनस ये कि अगर आप मंथली लीडर बोर्ड में भी हैं तो आपको एक्साइटिंग प्राइजेस लाइक मैकबुक, एप्पल वॉच और बहुत कुछ मिल सकता है। धन्यवाद एंड बैक टू द वीडियो। तो ये तरीका है एक बहुत प्यारे तरीके से आपका प्रोजेक्ट लिखने का। आपको यहाँ पे पैराग्राफ नहीं लिखने हैं, सिंपल 1-1 liner मारते जाओ, ठीक है, इसी का ध्यान रखना। ऊपर वाले प्रोजेक्ट में भैया आपने पॉइंट क्यों डाले हैं, क्योंकि वो एक रिसर्च बेस्ड प्रोजेक्ट है, उसमें जितना मैंने लिख दिया एक लाइन वो बहुत है, उतने में ही मज़ा आ जाएगा सामने वाले को, बहुत खतरनाक प्रोजेक्ट है। नीचे आपको पॉइंट समझ में आ चुके होंगे कि आपने ओवरव्यू डालना है, आपने टेक इन्वॉल्व डालना है, आपने इंपैक्ट डालना है और डन, आपका प्रोजेक्ट वाला काम हो गया। उसके बाद मैंने लिखा यूट्यूब चैनल, जो सब आप सबके केस में नहीं होगा, ये बस मैंने इसलिए डाला कि सामने वाले को पता हो पहले से कि यूट्यूब करता, बाद में कोई लीगल दिक्कत मेरे सामने ना आए, ये एक चीज़ है। अगले सेक्शन की बात करते हैं जो कि है अचीवमेंट के अंदर। अगर आप देखेंगे यहाँ पे आपको बताना है कि आपकी कोडिंग प्रोफाइल्स, आप लीड कोड में 500 से ऊपर क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हो, आप कोड फोर्स पे कैंडिडेट मास्टर हो, ये सारी चीज़ें आपको बतानी है। आपने कोई हैकाथॉन में पार्टिसिपेट किया हो, वहाँ पे कोई जीता हो, ओपन सोर्स कॉन्ट्रीब्यूशन किया हो, कुछ यूडासिटी से आपको स्कॉलरशिप मिली हो, आपने डिफरेंट कॉन्टेस्ट में चैलेंजेस में पार्टिसिपेट किया हो, वहाँ पे कुछ किया हो, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे डेटा पॉइंट्स ऐड करने हैं। सर्टिफिकेट्स वैसे मैटर नहीं करते हैं, स्पेस कंज्यूम करने वाली बात है बस। अगर आप चाहें तो सर्टिफिकेट बता सकते हैं, मेरे पास ये सर्टिफिकेट, ये सर्टिफिकेशन कोर्स की मैंने की हुई है, और वहाँ पे उसका लिंक ऐड कर सकते हैं कि हाँ यार ये देख लो, चेक कर लो। टीचिंग असिस्टेंट एंड ABCD इंस्टीट्यूट, कोडिंग वाले की बात कर रहा हूँ मैं, डाल सकते हो, कुछ ऐसा फायदा तगड़ा फायदा नहीं है, बट ठीक है, अचीवमेंट में डाल सकते हैं आप। इंग्लिश का टीचिंग असिस्टेंट मत बन जाना, कोडिंग वाले की बात कर रहा हूँ। और ये कुछ पॉइंट है, इनको आप पढ़िए, क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है कि यार आपको ब्यूटीफाई करना है अपनी स्ट्रेंथ को और वीकनेस को हाइड करना है। आपको हमेशा पैराग्राफ अवॉइड करना है और पॉइंट्स में लिखना है, ठीक है, हमेशा बोल्ड करना है, टेक्निकल वर्ड को ग्रैब अटेंशन ग्रैब करने के लिए हाइपरलिंक्स का यूज़ करना है, ट्राई करना है कि रियल वर्ल्ड में होश करूँ चीज़ों को, उससे ज़्यादा फायदा होगा। और ये अवॉइड दीज मिस्टेक्स, इस सेक्शन को भी देखो कि यार डांसिंग सिंगिंग इन चीज़ों से दूर रहो मतलब कि रिज्यूमे मत डालो, अपने रिज्यूमे को ज़्यादा टेक ओरिएंटेड बनाओ, प्रायोरिटी कभी भी लेवल ऑफ प्रोफिशिएंसी ऐड मत करो रिज्यूमे के अंदर, कि ये मत लिखो कि मैं DSM 5x5 हूँ, अनलेस आप असलियत में हो। अगर आप एक तगड़े लेवल कोडर हो जो बहुत सारी कॉम्पिटेटिव कर चुके हैं, वो लिखता हुआ फिर भी अच्छा लगता है क्योंकि उसके सामने क्वेश्चन आएगा DSA का तो कर देगा, बट अगर आप थोड़ा बहुत भी कन्फ्यूज हो, डर लग रहा है कि नहीं यार हो सकता है कि मुझसे कोई क्वेश्चन ना हो, तो ये रिस्क ना उठाएं, 5x5 लिखने वाला अपना नॉर्मल चलें, ठीक है। फिर वही सर्टिफिकेट, यार कुछ फ़ायदा नहीं होता, स्पेस कंज्यूम करने वाली बात है। लैंग्वेज हिंदी, संस्कृत, पंजाबी, इंग्लिश, ये भी मत लिखा करो, यार बेकार लगता है ये। एक्स्ट्रा करिकुलर POR ये भी स्किप कर सकते हो आप, यार टेक्निकल जॉब के अंदर कुछ फ़ायदा नहीं है, अनलेस अनटिल कि आप जो POR लिख रहे हो कि मैं कोडिंग सोसाइटी का लीड था, तो वो मैटर ठीक है, वो रिलेट कर पा रहा है तो आप वो ऐड कर पा रहे, वो ऐड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये कुछ पॉइंट्स यार मैंने जल्दी जल्दी आपको बता दिए हैं, गो थ्रू कर लेना अच्छे से, एक डिटेल में एक बार जाके पढ़ लेना, उससे आपको ज़्यादा फायदा होगा। मैं आपको समझा दिया किस किस सेंस में किस किस पॉइंट को लेना है। ये वो प्यारा सा रिज्यूमे है जो गूगल में शॉर्टलिस्ट हुआ था, कुछ भी खतरनाक नहीं है। दो अच्छे प्रोजेक्ट कॉलेज वाले डाल दिए, दो अच्छे प्रोजेक्ट कंपनी वाले डाल दिए, डन। मैं अभी 2 साल एक्सपीरियंस हो चुका हूँ, तो मैं लीड कोड या कोड शेफ या GFG डालूं कुछ फ़ायदा नहीं है, क्योंकि सामने वाले को पता है कि इस लड़के ने 2 साल से किया होगा नहीं, ठीक है, तो उसको इंटरेस्ट नहीं है मेरा उसमें, उसको इंटरेस्ट है कि मैं 2 साल में काम क्या किया। तो इसलिए मैं यहाँ पे कोडिंग प्रोफाइल स्किप कर सकता हूँ कि कोड शेफ, कोड फोर्सेस, लीड कोड में क्या किया, कितने किए, है ना। बट आप फ्रेशर हो, आपको वो चीज़ें डालनी पड़ेगी, उससे मुझे पता लगेगा कि हाँ इस लड़के को प्रॉब्लम सॉल्विंग आती है, मेरे केस में मान के बैठा इसको आती है, आपके केस में उसको जानना पड़ेगा आपके रिज्यूमे से, तो आप वो चीज़ें डालना। यहाँ पर मैंने एक गलती की है, मैंने अचीवमेंट के सबसे ऊपर इंडियन आर्मी का रिकमेंडेशन लेटर डाला है, वो मेरी पर्सनल प्रेफरेंस है, मुझे लगता है कि ये चीज़ मैं नीचे नहीं डालूंगा, ये चीज़ मैं सबसे ऊपर रखने वाला हूँ अचीवमेंट के अंदर। आइडियल केस के अंदर इसको सबसे नीचे होना चाहिए, और या फिर इसको हम रिज्यूमे से हटा ही सकते हैं क्योंकि टेक ओरिएंटेड चीज़ नहीं है, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें। और मेरे हिसाब से
इतने में आपको समझ आ चुका होगा रिज्यूमे अच्छा कैसे बनाया जा सकता है अगर आप इन सारे रूल्स को फॉलो करते हैं, ग्रीन टिक लगाते जाते हैं, हाँ ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, तो आप एक तगड़ा रिज्यूमे बना चुके हैं जो कि गूगल में, फेसबुक में, माइक्रोसॉफ्ट में, अमेजोन में, किसी भी अच्छी कंपनी में शॉर्टलिस्ट होने का दम रखता है। कुछ स्किप हुआ, कुछ और ऐड कर सकते हो, कुछ गलत बोला हो, कुछ सही बोला हो, कमेंट सेक्शन में कृपा करके बताएं। आपकी एंगेजमेंट जो कमेंट सेक्शन में मिलेगी उससे वीडियो की रीच और ज़्यादा बढ़ेगी, मुझे और मोटिवेशन मिलेगी और ज़्यादा वीडियोस बनाने की। आप और आइडियाज़ बताना चाहते हैं बता सकते हैं और ज़्यादा वीडियोस आपको मिलती रहेंगी। अगली वीडियो जो होने वाली है वो रिज्यूमे रिव्यू की होने वाली है। इस पर्टिकुलर रिज्यूमे की चेकलिस्ट को यूज़ करके मैं बहुत सारे रिज्यूमे को रिव्यू करने वाला हूं। आप मुझे अपना रिज्यूमे सेंड कर सकते हैं lovebabbar3@gmail.com पर। मिलेंगे आपको अगली वीडियो में, इतना ही, तब तक के लिए